हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सेंसवेरिया के बारे में बताएंगे। इसे हम स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं और इसका एक और नाम है मदर्स इन लॉ टंग। इसे हम स्नेक प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पत्तियां कुछ हद तक सांप जैसी प्रतीत होती हैं। यह एक एवरग्रीन पेरेनियल प्लांट है। नासा के द्वारा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। यह हवा को शुद्ध करता है। स्नेक प्लांट रात के समय ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस प्लांट की एक और खास बात यह है कि स्नेक प्लांट के तो के नीचे एस्टोमाटा होता है और यह एस्टोमाटा केवल रात में ही ओपन होता है। इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ही आसान है। यह बाकी प्लांटों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसे कम न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये आसानी से पॉट में उगाया जा सकता है। आप इसे लो लाइट में भी अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं। ये प्लांट आपके बेडरूम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस प्लांट को पानी तभी दे जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए। इसके लिए आप अपने फिंगर को मिट्टी के अंदर लगभग 1 से 2 इंच की अंदर ले जाएं और चेक करें कि इसमें नमी है कि नहीं। यदि आपके फिंगर्स में नमी फिल हो तो आप इसे पानी ना दें क्योंकि इससे बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सकते हैं मेरे पास कुल 4 प्लांट हैं स्नेक प्लांट का और हमारे पास 3 वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। ये ड्वार्फ प्रजाति है। इसके पत्ते छोटे होते हैं इनके तुलने में। एक दूसरा प्रजाति ये है जिसके एज येलो है। आप देख सकते हैं इसके लीफ को। इसके एज जो हैं वो येलो हैं। और तीसरा प्रजाति जो पूरी की तरह पूरी ग्रीन है। आप इस गमले में देख सकते हैं कि इन गमले में नया फुटाव आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें ये नया फुटाव डेवलप हो रहा है और कुछ मंथ बाद ये गमला पूरी तरह से भरा हुआ पत्तियों से भर जाएगा। देख सकते हैं मेरा स्नेक प्लांट कितना हेल्दी है। मैं इसे कोकोपीट और सॉयल को मिक्स करके मैंने इसके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। देखिए आप इसके ऊपरी लेयर पे कोकोपीट है। मेरे गार्डन में सबसे अगर कोई आसान प्लांट है जो कम केयर में और कम न्यूट्रिशन कम पानी में डेवलप हो जाए तो वो यही है। ये प्लांट आपके बेडरूम के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप इसे अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। आप नर्सरी से 1 या 2 स्नेक प्लांट खरीद के ला सकते हैं और फिर इसे आप आगे चल के डिवाइड करके कई गमलों में इसे आप बना सकते हैं। अगर हम इस फुटाव को निकाल के किसी दूसरे गमले में सेट कर दें तो ये बिल्कुल ही कुछ मंथ में इसी तरह का प्लांट डेवलप हो जाएगा।
इस प्लांट की एक और खूबी है कि इसमें किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं होता है। प्लांट का ओवरव्यू देखिए, मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसे प्लांट विशेषकर इंडोर के लिए जरूर ही अपने घर में लगाइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पॉटिंग मिक्स और इसे हम कैसे पत्तियों के थ्रू या प्लांट को डिवाइड करके डेवलप कर सकते हैं एक न्यू प्लांट के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।